ये क्वेश्चन जेई एडवांस 2016 पेपर सेकंड में आया है, रोटेशन का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पर आपको दो डिस्क दिए हैं, नो स्लिपिंग है, आपको इसका मोशन सबसे पहले इमेजिन करना है, ये ऐसे भी रोटेट हो रहा है और साथ में ये डिस्क रोटेट ऐसे भी हो रही है, मतलब इसके पास डबल रोटेशन है, एक ऐसे भी और एक अपने एक्सिस के अबाउट भी। इमेजिन कर रहे हो इस बात को, ये ऐसे भी रोटेट कर रहा है और ओ पॉइंट के अबाउट मूव करेगा ये, नो स्लिपिंग दे रखी है। नो स्लिपिंग की कंडीशन आप लोग को याद है, इस ये वाला पॉइंट स्लिप नहीं करेगा, मतलब इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी और आर ओमेगा ट्रांसलेशनल पार्ट रोटेशनल पार्ट दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो नो स्लिपिंग, इसकी वेलोसिटी कितनी होती थी, जीरो, नो रिलेटिव मोशन बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड पॉइंट ऑफ सरफेस, तो v इक्वल टू a ओमेगा। यहां पर क्या होगा याद करो, यहां भी हम लोग कंडीशन लगाएं नो स्लिपिंग की, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है, मान लेते हैं इसकी, इसको नाम दे देते हैं a और इसको नाम दे देते हैं b, इसको इसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी vb और रोटेशन r ओमेगा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इस साइड r ओमेगा इस साइड, तो vb माइनस r ओमेगा इक्वल टू जीरो, vb माइनस r कितना है 2a ओमेगा इक्वल टू जीरो रखेंगे हम लोग, तो यहां पे कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग आ जाएगा, यहां से हमें इनके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी पता चल गई। बेटा इसका मोशन कैसा होगा, ऐसे सर्कल में मूव करेगा, ये ऐसे मूव करेगा। आप मुझे बताओ इस, जब ये ऐसे, देखो एक तो रोटेशन ऐसे है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है ओमेगा, और ऐसे रोटेट होगा तो एंगुलर वेलोसिटी कहां होगी, इस साइड होगी कि और कहीं होगी, याद करो v इक्वल टू क्या होता था, ओमेगा क्रॉस r, वेलोसिटी ओमेगा r, तीनों कैसे होते थे परपेंडिकुलर, तो यहां पर l ऐसे है तो ओमेगा कैसे होना चाहिए, इसके परपेंडिकुलर, या तो हम वेलोसिटी किस साइड है, इस साइड, याद आ रहा है राइट हैंड रूल हम लोग लगाते थे ना, तो v ओमेगा कैसे करेंगे हम लोग, v साइड है l साइड है तो इस तरफ जाएगा ये, तो ये ओमेगा आपको समझना है, ये वाला ओमेगा कौन सा है और ये वाला ओमेगा कौन सा है, ये वाला कौन सा वाला है जब ये ऐसे रोटेट होगा, और ये वाला, ये आपको समझ में आ रहा है, ये जस्ट फील हो रहा है आपको। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है द सेंटर ऑफ मास ऑफ द असेंबली, ये सेंटर ऑफ मास कहीं यहां होगा, ये सेंटर ऑफ मास मान लें इसको, रोटेट्स अबाउट द जेड एक्सिस विथ एन एंगुलर स्पीड ऑफ ओमेगा वाई फाइ। देखो बेटा जब ये सेंटर ऑफ मास रोटेट होगा तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी ये होगी, तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट पूछा जा रहा है। थोड़ी देर के लिए मैं इसको इमेजिन कर लूं थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये होगा थीटा, तो इसका मुझे ये वाला कंपोनेंट, मतलब इस क्वेश्चन के अंदर आपसे जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है ओमेगा डैश कॉस थीटा, कहीं से हमें ये पता चल जाए ये तो काम बन जाएगा। अब सोचो ये कैसे निकलता था, आपको पता है v इक्वल टू r ओमेगा, मतलब इसकी वेलोसिटी देखो ओमेगा डैश कैसे कैसे निकाल सकते हैं, ओमेगा डैश क्या होता था v इक्वल टू r ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू v बाई r, इसकी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी कितनी है a ओमेगा अपॉन r l। आप चाहो तो इससे भी निकाल सकते हो, इससे कैसे निकालोगे बताओ मुझे, कितना होता था v, वेलोसिटी कितनी आएगी इसके सेंटर ऑफ मास की 2a ओमेगा बाई r, ये वाली डिस्टेंस कितनी है 2a, तो 2 से 2 कैंसिल सेम आ रहा है, आप चाहो तो सेंटर ऑफ मास से भी निकाल सकते हो, सेंटर ऑफ मास अपॉन LCM, तो अपन को यहां से पता चल गया, आपको यहां पर l की वैल्यू √24a दिया है, तो जरा यहां पे कंपोनेंट बताइए जरा कितना आएगा ओमेगा डैश a ओमेगा बाई एल कॉस थीटा, बोलो ये 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस कौन है 90 के सामने वाला, ये वाला, ये कितना होगा रूट एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यदि मैं इसकी वैल्यू पुट करूं तो रूट
कितना हो जाएगा ये वाला, यदि मैं इसको x मान लूं तो ये x हो जाएगा रूट एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यदि मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूं तो 24 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 25, तो ये हो जाएगा 5a। तो यहां पर यदि 5 पे पुट करता है तो यहां पे एलसीएम कैंसिल, एसी कैंसिल, ओमेगा बाय 5। इनमें से आप किसी से भी अप्लाई करोगे यही आंसर आएगा, जरा चेक करो। यहां पर ए ऑप्शन आपका राइट है। अब सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, सॉरी सेकंड ऑप्शन में द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस पर है, हम लोग बी ऑप्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सेंटर ऑफ मास एलसीएम या आरसीएम, आरसीएम क्या होता था याद करो फॉर्मूला, m1r1 plus m2r2 up till mnrn upon m1 plus m2 m1। यहां पर इसका मास कितना है m, r कितना है l, देखो बेटा इसके सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस l है, इसके सेंटर ऑफ मास की 2l, इसका मास कितना है 4m, और ये वाला सेपरेशन कितना है 2l अपॉन टोटल मास m plus 4m, m से m कैंसिल हो जाएगा, 4 2 8 plus 9 9l by 5। अच्छा मुझे बताओ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो, सोचो क्या होता था फॉर्मूला, m1 v1 plus m2 v2 up till mn vn upon m1 plus m2 plus up till, ये सब वेक्टर फॉर्म में होते थे, x कंपोनेंट y कंपोनेंट, अभी तो हम सिंपली बात कर रहे हैं क्योंकि सब की डायरेक्शन सेम है, मास m, इसकी वेलोसिटी कितनी है a ओमेगा प्लस इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसका मास है 4m और इसकी वेलोसिटी है 2a, ओमेगा तो सबके लिए सेम होगा, क्यों ओमेगा सबके लिए सेम होगा क्योंकि सभी इक्वल एंगल कवर करेंगे, तो यहां पर टोटल मास कितना हो गया 4m, 4m plus m 5m, तो यहां पर 5m m से m कैंसिल हो जाएगा 8 9 a ओमेगा by 5। अब आपसे बी ऑप्शन के अंदर बोला जा रहा है आपसे इसकी वैल्यू यदि हम यहां पुट कर दें तो फिर तो भी आपका यही निकलना चाहिए, तो हम लोग इससे भी इसको निकाल सकते थे ओमेगा जेड। बी वाले ऑप्शन में द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द असेंबली अबाउट द ओ पॉइंट, ओ पॉइंट के अबाउट चाहिए सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का मोशन देखोगे तो ऐसा नजर आएगा आपको, बोलो यस सर। सेंटर ऑफ मास को यदि मोशन आप देखोगे इस पॉइंट के अबाउट तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट ओ, तो बेटा ओ पॉइंट के अबाउट देखो क्या आएगा आर क्रॉस पी, आई ओमेगा क्यों नहीं लगा रहा हूं मैं बताओ जल्दी से मुझे, क्योंकि हम लोग को ये वाला नहीं चाहिए, अपन को ये वाला चाहिए, इसलिए आर क्रॉस पी। आर कितना आया है, आर आया है 9l/5 इनटू पीसीएम, इसका पूरे का मास यहां पे हम कॉन्सेंट्रेट मान सकते, तो मास कितना लेना पड़ेगा हमें 5m इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 9a ओमेगा बाय 5, एक 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 81m, l की वैल्यू कितनी है रूट 24 ए स्क्वायर हो जाएगा ये ओमेगा बाय 5। जरा आंसर चेक करो इसमें क्या ये आंसर आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा है, इसलिए बी वाला ऑप्शन हो गया। यदि इसमें सी की बात करूं तो सी के बारे में समझना, द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द असेंबली अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, इस वाले क्वेश्चन में किसके अबाउट था ओ पॉइंट, अब यदि मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखूंगा तो आपको वैसे तो कंबाइंड मोशन का एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला याद है आईसीएम ओमेगा प्लस आर क्रॉस पीसीएम, याद आ रहा है कुछ, मुझे बताओ जब आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखोगे तो वेलोसिटी भी इसी साइड है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 0, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा 0, और ICM मतलब ये कैसे रोटेट हो रहा है ये वाला, ये कौन सा एक्सिस है सिलेंड्रिकल एक्सिस, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इसका, इसका सिलेंड्रिकल एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 2, एम कितना है इसका एम ए स्क्वायर बाई 2,
ओमेगा कॉमन ले लेते हैं प्लस इसका इसका भी एम आर स्क्वायर बाई टू, एम कितना है 4m, आर कितना है 2a बाई टू, ओमेगा तो आपको गिवन है, ये हो जाएगा 2 पर स्क्वायर 4, 4, 4 जा 16, 16 प्लस 1 17 एंड ए स्क्वायर ओमेगा बाई टू। इसमें ऑप्शन सी वाला राइट है। अब ऑप्शन नंबर डी, द मैग्नीट्यूड ऑफ द जेड कंपोनेंट ऑफ एल, मतलब इसका जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है इसका जेड कंपोनेंट लेना है, तो मैं यहां पे थोड़ा सा इसको रफ करना पसंद करूंगा क्योंकि बोर्ड पूरा भर चुका है। मैं काफी आपको देखें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के पर्पस से ये नहीं सॉल्व कर रहा हूं, मैं आपको सिखाने के पर्पस से सॉल्व कर रहा हूं। मेरे आप जितने भी वीडियो देखोगे वो सारे लेंदी होंगे, कुछ लोगों ने बोला कि आपने थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन किया है, तो मेरा पर्पस आपके सामने इनके आंसर लाना नहीं है, मेरा पर्पस यहां पर ये है कि आपको एक एक स्टेप एक एक कंसेप्ट रिवाइज हो जाए, रिवीजन के पर्पस से मैं ये कर रहा हूं। तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको साफ कर दूं ना ये वाला। अब जेड कंपोनेंट देखो, एक तो एंगुलर मोमेंटम ऐसा है तो हम लोग एक एंगुलर मोमेंटम ले लेते हैं ये वाला, ये वाला कितना होगा इस डायरेक्शन में एल ओमेगा, और एक होगा इस डायरेक्शन में इसका नाम दे देते एल ओमेगा डैश, ये थीटा ये थीटा। इस क्वेश्चन के अंदर आपको जेड कंपोनेंट चाहिए, तो जेड कंपोनेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल एंगुलर मोमेंटम अबाउट द जेड एक्सिस। देखो एक तो इसका कंपोनेंट आएगा एल ओमेगा डैश कॉस थीटा माइनस, माइनस क्यों किया, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है ऊपर प्लस नीचे माइनस, एल ओमेगा ये वाला कंपोनेंट थीटा के बगल वाला कॉस थीटा के साइड वाला साइन एल ओमेगा डैश। एल ओमेगा डैश क्या निकाला हमने ये वाला, यस मैंने स्टार्टिंग में निकाला था ये वाला सेंटर ऑफ मास का आया था, याद आ रहा है इसका आंसर आया था ये वाला, जरा वैल्यू पुट करो, यहां पर ये था 81√24 एम ओमेगा ए स्क्वायर बाय 5। अच्छा कॉस थीटा, यहां से कॉस थीटा बेस एल, एल कितना है √24 ए बाय बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, इसकी वैल्यू 5 ए आई थी माइनस एल ओमेगा, ये वाला एल ओमेगा कौन सा था ये वाला, इसके अबाउट निकाला था अपन लोगों ने, क्या निकाला था ये वाला होगा एल ओमेगा, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं एल ओमेगा डैश भी बोल सकते थे इसको, तो ये आया है 17 एम ए स्क्वायर ओमेगा बाई 2 साइन थीटा, बोलो यहां से साइन थीटा बोलो, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ये हो गया ए अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस ये है 5 ए, ये से कैंसिल, इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं हम लोग जरा देखो एम ओमेगा ए स्क्वायर दोनों में कॉमन आ सकता है, अंदर क्या बचेगा ये बचेगा 24 81 × 24 बाई 25 माइनस 17 बाई 10, यहां से ही हमें फीलिंग आ जाएगी डी ऑप्शन, देखो डी में आ रहा है 55, क्या ये 55 हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, आप दिमाग लगाओ इसमें, इसलिए डी वाला ऑप्शन हो गया रॉन्ग। इसलिए इसके आंसर कौन कौन से आ गए, इसके आंसर आ रहे हैं ए एंड सी।